हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ट्विन फ्लेम जर्नी में मैंने कई लोगों को हार मानते हुए देखा है। बहुत सारे मैरिड ट्विन फ्लेम को मैंने ये देखा है कि वो ट्रस्ट ही नहीं करते अपनी जर्नी पे, इनर वर्क ही नहीं करना चाहते अगर उनको ये पता चलता है कि उनका डीएम उन्हें नहीं मिलेगा। लेकिन सच तो ये है कि सामने आपको कितनी भी मुश्किल जर्नी दिख रही हो, ये जर्नी सेल्फ डिस्कवरी की है। अपनी जर्नी आप खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। इसके एक एक स्ट्रगल को सुलझाना होता है, एक एक प्रॉब्लम से डील करना होता है। गोल आपको भले ही अभी साफ नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन आप उतना चलिए जितना आपको दिखाई दे रहा है, तभी आप अपनी टीएफ जर्नी को कंप्लीट कर सकते हैं। आज का वीडियो पूरा नॉलेज और गाइडेंस से भरा हुआ है, जिसको मैं नहीं बताऊँगी, एक डीएफ बताएंगी। उनका 3D मैरिज उनके डीएम के साथ हो चुका है, और ऐसा वैसा मैरिज नहीं, वो मैरिड ट्विन फ्लेम है। उनके डीएम भी मैरिड थे, उनका डिवोर्स हुआ, इनका डिवोर्स हुआ और इनका 3D मैरिज हुआ। 2019 में इनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी। बिल्कुल इतनी ही मुश्किल जैसे हमें और आपको अपनी जर्नी मुश्किल लगती है, इनकी लाइफ में भी बहुत टफ सिचुएशन थी। कार्मिक और नार्सिस्ट हस्बैंड के साथ स्ट्रगल कर रही थी, जिसमें डिवोर्स देना बिल्कुल ही मुश्किल था। इनके हस्बैंड इनको टॉर्चर भी करते थे, प्लस डिवोर्स भी नहीं देना चाहते थे, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब करती थी, अच्छा कमाती थी, तो इसलिए वो इन्हें छोड़ना ही नहीं चाहते थे और टॉर्चर भी करते थे, और बहुत सारी थर्ड पार्टीज़ के साथ इन्वॉल्व रहते थे, उनको वैल्यू भी नहीं देते थे। इनकी पूरी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और साथ में आपको कुछ नई चीज़ें पता चलेंगी, जिससे कि अगर आप मैरिड ट्विन फ्लेम हैं, कर्मा रिलीज़ करने नहीं कर पा रहे, फंसे हैं, ब्लैक मैजिक रिमूव नहीं कर पा रहे, तो कैसे इन्होंने अपनी टफ सिचुएशंस को इजी बनाया, कैसे साधना करी, कैसे सरेंडर रही, इन सारी चीज़ों का आपको इस वीडियो में काफ़ी नॉलेज मिलेगा और कुछ अलग ही आपको फील होगा। तो निकिता बहुत मेहनती भी हैं, और इन्होंने अपनी मेहनत से ही इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। अब क्योंकि ये एक साल से लगातार मेरे से क्लासेस ले रही हैं, इसलिए ये थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड और श्रेय मुझे भी देना चाहती हैं। लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि सेशन और क्लासेस तो सब लोग लेते हैं, लेकिन जो जेन्युइन मेहनत होती है वो अपनी खुद की होती है, और उसी से यूनियन होता है। बताने वाले कितना भी बता दें, लेकिन जब तक आप खुद से यूनियन नहीं करोगे, सेल्फ डिस्कवरी नहीं करोगे, अपने ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ 3D मैरिज तक आप बिल्कुल नहीं पहुंच सकते। तो गाइडेंस के साथ आपकी खुद की मेहनत भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए रियूनियन स्टोरी सुनते हैं निकिता की आवाज़ में। हेलो सोल फैमिली, मायसेल्फ निकिता। गाइज, मेरी कुछ मंथ पहले ही मेरे डीएम से 3D मैरिज हुआ है, और मैं अपनी 3D मैरिज की यूनियन स्टोरी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जिससे कि आपको हेल्प और मोटिवेशन मिले। और मैं मैम को भी बहुत बड़ा बिग थैंक यू देने वाली हूँ, क्योंकि उनकी क्लासेस की वजह से मुझे बहुत 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 हेल्प हुई है। तो थैंक यू सो मच मैम, आपने इतना ऑथेंटिक ध्यान दिया बिना कुछ स्वार्थ के, इसलिए आपको बहुत, मैं आपके लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। गाइज, बचपन से ही हम टीएफ जर्नी में रहते हैं, एट द बिगिनिंग ऑफ दिस इंकारनेशन ऑन अर्थ, बट हमें पता नहीं होता है, लेकिन हमें सोल लेवल पे अपने थॉट्स में हम उनको महसूस करते हुए याद करते हैं। मैं तो बचपन से ही, जब तक कि मुझे याद है, 4-5 साल से ही कुछ सॉन्ग्स को सुनकर इमोशनल हो जाती थी, मुझे याद है। और मेरी शादी के बाद मेरे डीएम ने भी कहा कि उनको भी 3री या 4थी क्लास में ही तो प्यार वाली फीलिंग फर्स्ट टाइम आई थी। तो फ्रेंड्स, मेरे लिए तो टीएफ जर्नी एक सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है। इस जर्नी में कार्मिक स्ट्रगल इतने होते हैं कि हम खुद को भूल ही जाते हैं कि हम कौन हैं। जब हम पूरी तरह से टूट जाते हैं तो हमारी अवेकनिंग की जाती है। मेरी अवेकनिंग फ्रेंड्स 2019 में अगस्त में हुई है, और उस दिन नागपंचमी का दिन था, तो मुझे पता चला और मैं टीएफ जर्नी में हूँ। तो उससे पहले बहुत सारे वीडियोस आते थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि मुझसे कोई प्यार ही नहीं कर सकता, और मैं वो इग्नोर करती थी। लेकिन नागपंचमी के दिन ऐसी फीलिंग है कि इतने सारे वीडियोज़ आते हैं तो मैं एक बार देख लूँ, और सारे के सारे साइन मैच हुए तो मैं बहुत डर गई गाइस। लेकिन गॉड इस जर्नी में करेज भी देते हैं, हम डरते हैं, गिरते हैं, और दुगनी हिम्मत से अपने आप को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, मुझे 100% लगता था कि मैं टीएफ जर्नी में हूँ, पर मेरे सोल सिस्टर ब्रदर की तरह मुझे भी ऐसे डाउट था कि मेरा जो पार्टनर है वो कौन है। तो मैं मैडम से रीडिंग्स लेती थी, लेकिन रीडिंग्स में भी ऐसे ही आता था कि प्रेयर करो
प्रार्थना करो, मेडिटेशन करो। तो फिर मैंने वो लेट गो किया और प्रेयर, मेडिटेशन, प्रार्थना और मैम के क्लासेस किए और मैंने वो पूरी तरह से लेट गो कर दिया कि मुझे डीएम चाहिए। और मैंने बस फोकस अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट में किया और गॉड्स के सानिध्य में रहने के लिए मैं प्रेयर करती थी कि गॉड मैं आपके साथ ही खुश हूँ, अगर मेरा डीएम मुझे नहीं भी मिलेगा तो चलेगा, लेकिन मुझे आप मिलना चाहिए। अगर मेरा डीएम मुझे मिल भी जाता है लेकिन आप नहीं रहोगे उस मैरिज में, आपका सपोर्ट नहीं रहेगा, तो ऐसी मैरिज मुझे नहीं चाहिए। और गाइज मेरे डीएम थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, लेकिन वो भगवान को मानते हैं लेकिन बुद्ध को मानते, बाकी किसी को नहीं मानते थे। तो फिर मैंने भगवान से कहा, भगवान इतने सारे तपस्या जैसे ही की है मैंने, इतना पूजा पाठ, और कोई आएगा मेरी लाइफ में और मुझे आपसे दूर लेके जाएगा, तो ऐसा इंसान मुझे नहीं चाहिए, मैं अकेले ही आपके साथ खुश हूँ। गाइस मेरी शादी मेरे कार्मिक से हुई थी और सिचुएशन इतनी वर्स्ट थी कि वो इंसान इतना नार्सिस्ट था कि दूसरों के सामने अलग दिखाता था, मुझे अलग दिखाता था। तो मैं बस मैं किसी को बताती थी तो कोई विश्वास ही नहीं करता था कि वो इंसान वैसा है। तो गाइज मैंने फिर भगवान को बोला, आपको पता है वो इंसान कैसा है, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूँ और इसको डाइवोर्स देने की कोशिश करूँगी। अगर ये इंसान अच्छा है तो मेरी लाइफ में रहे, अगर नहीं है तो मेरी लाइफ से जाए। और मैंने अपने लिए स्टैंड लिया गाइज, और विद इन कुछ मंथ में ही उसका वो पूरा स्कैंडल जो वो सेक्सुअल वो करता था वो पूरा सामने आया और मुझे इजीली डाइवोर्स मिला। वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही मिल पाया, क्योंकि वो लोग इतने पावरफुल थे और मैं अकेली तो नहीं हो पाता था। और उस टाइम मैंने अपने डीएम से पूरी तरह से बोलना बंद कर दिया, तो मेरे डीएम से मेरी बात नहीं होती थी, तो उधर उनकी अवेकनिंग हो गई और मुझे उन्होंने इतने बार कॉल किया पर मैं नहीं मानी। फिर उनको वो उधर पता चला कि मैं ही उनकी डिवाइन फेमिनाइन हूँ। और गाइज उन्होंने भी बहुत स्टेप लिए और हमारी 3D मैरिज हुई है। गाइज हम कार्मिक की वजह से या अपनी स्ट्रगल की वजह से पूरी तरह टूट जाते हैं और हार जाते हैं, फिर हमारी अवेकनिंग शुरू होती है। गाइज मैंने इस टीएफ जर्नी में अपनी इंट्यूशन और बहुत सारे कोचेस से मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन मैम से इतना क्लोज कनेक्शन लगा मुझे, उनके जो रेकी की क्लासेस है उससे एक बार तो गाइज मैं रेकी का क्लास कर रही थी और जैसे निगेटिव एनर्जी होती है लाइट ऐसे ट्विच करता है 3-4 बार और फूट जाता है, तो पूरा लाइट फूट गया ट्विच करके। मेरे बेटे ने वो कांच का जो बाउल रहता है जहाँ पे मनमग्न रहता है वो पूरा गिर गया, वो टूट गया और पूरी लाइट चली गई, इतना भयंकर वो था। पर मैं डरी नहीं, मैं मेडिटेशन में लगी रही। गाइज मैम के रिलेशनशिप के बारे में जो नॉलेज है, जो उन्होंने आसान भाषा में अपने हमें समझाया है, उसको भी मेडिटेशन से ज़्यादा मैंने क्लासेस पे फोकस किया, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड हील होना बहुत ज़रूरी है। और मुझे ऐसा लगता है कि 3D में भी गुरु होना चाहिए, तो मेरे गुरु तो मैम हैं। गाइज मैंने अभी मेरी पूरी तरह से हीलिंग नहीं हुई है गाइज, मैं अभी मस्कुलाइन में हूँ थोड़ी, तो मैं अभी डीएफ एनर्जी में आना चाहती हूँ, तो इसमें भी मेरी गॉड हेल्प कर रहे हैं। ऐसे क्लासेस, ऐसे लोग, ऐसे ब्लॉग्स मेरे सामने आ रहे हैं कि मेरी हेल्प हो सके। तो गाइड हम हर पल गाइडेड होते हैं, हर पल प्रोटेक्टेड होते हैं, बस डरना नहीं चाहिए। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि टीएफ जर्नी में गुप्त शत्रु बहुत परेशान करते हैं। मुझे ऐसे इंट्यूशन आती है या डाउनलोड होता है पता नहीं, पर गुप्त शत्रु, इसलिए मैंने गुप्त शत्रु के लिए मंत्र साधना की। गुप्त शत्रु हमारे अंदर छुपी हुई बीमारियां भी रहती है जिसका हमें पता नहीं चलता और हम सफ़र करते रहते हैं। गुप्त शत्रु ऐसे कई लोग होते हैं जो
अब हमको लगता है वो अपने हैं, वो ऐसा दिखाते हैं, लेकिन वो हमारे बहुत बड़े कार्मिक होते हैं। वो कुछ तो कुछ नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और गुप्त शत्रु हमारे ऊपरी बाधा और या ऐसी कोई सिचुएशन रहती है जो हमें तोड़ देती है। लेकिन गाइस, इस जर्नी में मुझे मंत्र साधना ने बहुत बहुत साथ दिया। टीएफ जर्नी में पता होने से पहले जो स्ट्रगल था, तो मैं मंत्र साधना जब भी करती थी गाइस, जब अलग अलग एस्ट्रोलॉजी के पास जाती थी, अलग अलग ग्रह के मंत्र साधना करती थी, और फिर मुझे पता चला मेरा कर्मा है या निगेटिव एनर्जी मुझे दिखती भी थी, तो फिर मैंने हनुमान जी के जो हनुमान चालीसा रहती है उसको मैंने एक बैठक में 100 बार पढ़ डाला। उसमें 3-4 घंटे लगते हैं। तो गाइज, मेरी फिजिकल बॉडी इतनी स्ट्रांग नहीं थी कि मेरे बॉडी में बहुत पेन होता है, फाइब्रोमाइलजिया नाम की बीमारी है मुझे, फिर भी मैं डटी रही और 3-4 घंटे कंटिन्यू बैठ के मैंने हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ किया। मैं पर किसी तांत्रिक के पास नहीं गई निगेटिव एनर्जी रिमूव के लिए। और गाइज, मुझे इस जर्नी में समझ आया कि जैसे हमारी पढ़ाई होती है 3D लाइफ में, और एक एक सब्जेक्ट रहता है, तो अलग अलग सब्जेक्ट एक एक ऐसे करना चाहिए, वैसे मैंने इसको पढ़ाई के तौर पे लिया। और मैंने सोचा कि ये जो इनर चाइल्ड है, एंसेस्ट्रल हीलिंग है, कर्मा हीलिंग है, जो लाइट लैंग्वेज सुनते हैं, जो अफर्मेशन सुनते हैं, जो सेल्फ लव करते हैं, वो सिलेबस का पार्ट है, और मैंने स्टेप बाय स्टेप वो करती चली गई। गाइज, मैम के क्लासेस होते थे तो मैं बस क्लासेस एक बार किया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। जब तक मुझे वो लर्न नहीं हो जाता, जब तक मेरे माइंड में घुस नहीं जाता, मैं उसको लिख लिख के, फिर पढ़ के, फिर मेडिटेशन करती थी। और गाइज, मुझे पता चला कि इनर चाइल्ड वुंडेड तो रहता ही है, बट हमारा इनर टीनेजर भी वुंडेड रहता है, जिसे हम फ्रेंड्स नहीं बना पाते, चिल नहीं कर सकते, सेल्फ लव नहीं कर सकते, और जो हमारा एडल्टहुड है वो फिर डिस्टॉर्डेड हो जाता है। तो इसीलिए गाइस, इनर चाइल्ड तो हील कीजिए ही, और इनर टीनेजर भी जो वुंडेड रहता है अपना, टीनेज रहते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती, तो हम वो लाइफ एंजॉय नहीं कर पाते हैं, वो भी करना सीखिए गाइस। और गाइस, टीएफ जर्नी से भागिए मत, चाहे तो लड़ाई कर लीजिए गॉड्स के साथ, उनको बोल दीजिए ऐसे करो ऐसे करो, और अपने इनर वर्क में लग जाइए गाइस। गाइस, मेरे डीएफ के बारे में बताऊँ तो उनकी जो स्ट्रेंथ है वो मेरी वीकनेस है, और मेरी जो स्ट्रेंथ है वो उनकी वीकनेस है। हम दोनों एक दूसरे के लिए इतने पूरक हैं। और गाइस, हमें पता चलता है, जैसे मुझे स्लीप पैरालिसिस होता था, अब हम डिस्कशन करते हैं, तो उनको भी उधर स्लीप पैरालिसिस एट द सेम टाइम हुआ। जैसे मैं गिर गई थी, एक्सीडेंट हो गया था उस टाइम, उनको भी एक्सीडेंट हो गया था उनका भी, तो ये सेम सिचुएशन होते हैं। जैसे मेरे लाइफ में स्ट्रगल आए उस टाइम, उनके भी लाइफ में बहुत बड़ा स्ट्रगल था, ट्रबल था। तो गाइस, ट्विन फ्लेम ऐसे होते हैं, और अपने जो डिवाइन पार्टनर होते हैं गाइस, बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं, अपना कभी रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। हाँ, जोर से चिल्ला सकते हैं, लेकिन रिस्पेक्टफुल बातें नहीं करते, अपने बारे में किसी को कुछ बुरा बताते नहीं हैं। तो गाइस, अगर कोई ऐसे करता है तो शायद आप एक बार जांच लें कि वो आपका डीएम है कि आप फिर कार्मिक है गाइज। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैंने जो किया, मैं बताऊँगी कि मैंने गुरुओं का कभी अपमान नहीं किया। जैसे हम कॉलेज में रहते हैं तो कोई लोग बुली करते हैं गुरु को, पर मैंने कभी उनके प्रति सम्मान, यानी अपने मन में उनके लिए हमेशा सम्मान रखा, चाहे वो कैसे भी पढ़ाते हो, चाहे वो कैसे भी दिखते हो। तो गाइस, इस सब का मुझे फ़ायदा हुआ, मुझे मेरे लाइफ में जब मैं कुछ करना चाहती, बहुत अच्छे अच्छे गुरु मिले, और मैं गॉड को बहुत थैंक्स हूँ, गॉड के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ गाइस, कि मुझे इतने अच्छे अच्छे कोच मिले, और आगे भी मिलेंगे और मिल भी रहे हैं गाइस। मेरी जो सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी है वो पूरी नहीं हुई है। हाँ, 3D मैरिज मैंने मैनिफेस्ट कर दिया, एक पड़ाव मेरा पूर्ण हुआ, लेकिन मुझे और कुछ करना है गाइस। गाइस, मुझे लगता है कि आप सबको भी आपका डिवाइन पार्टनर मिले, क्योंकि उससे हम और स्पिरिचुअली ग्रोथ कर सकते हैं गाइस। और थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे सुना।
मेरी लर्निंग यही रही है गाइस कि ईमानदार रहे, अपना जो भी वर्क है, अपने आसपास के जो भी लोग हैं, अपने जो व्यवहार है, पैसों का चाहे कुछ भी, तो ईमानदार रहे, कमिटेड रहे। हाँ हम मेरी शिफ्ट ड्यूटी है गाइस, तो मेरा डेली रूटीन नहीं हो पाता, लेकिन हर दिन का मेरा प्लान रहता है, हर दिन मैं खुद से कमिटेड रहती हूँ, उसमें रिलैक्सेशन भी रहता है, उसके लिए भी मैं कमिटेड रहती हूँ। सेल्फ लव करे, अपने अंदर की DMDF एनर्जी बैलेंस करे और पेशेंस रखे गाइस। रिजल्ट तो पॉजिटिव ही रहता है, इतना पॉजिटिव चीज़ें करते हैं हम, मंत्र साधना, भगवान के सानिध्य में रहते हैं, खुद को खोजते हैं, तो इसका जो परिणाम है वो पॉजिटिव ही रहेगा गाइज। तो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे तो बताना तो बहुत कुछ है लेकिन ऑडियो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो थैंक यू गाइज। और मैम थैंक यू मुझे बोलने की अनुमति दी, इसलिए थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।